हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेलकम इन अनदर पबजी द मोबाइल की गेम प्ले सीरीज में। तो भाई इधर मेरे को एक दो स्क्वाड दिखती है, पर पता नहीं कहां से बैक टू बैक स्क्वाड आ जाते हैं और मेरे अच्छे खासे किल हो जाते हैं। तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। इधर टू स्टोरी में एक बंदा होता है और वो उसकी पूरी स्क्वाड होती है उधर, यानी कि वो तो अकेला आया होता है इधर, बट इधर मैं बहुत इजी से उसको नॉकआउट करके उस पर रश कर देता हूँ। एक सेकंड के लिए तो भाई ऐसा लगा कि उसका टीममेट ही आया था, बट इधर आप देख सकते हो कि बोट आया था और बोट को मार के ही भाई इधर उनके टीममेट भी आ जाते हैं। तो भाई उनकी भी पेटी बना देता हूँ मैं। इस बंदे की गन रिलोड में नहीं जाती तो मेरी पेटी जरूर बनती, बट मैं लकी था कि मैं बच गया, नहीं तो इधर मेरी पेटी बन जाती और इधर मेरे आसानी से 4 किल हो जाता है। तो भाई आगे देखो, आगे एक और स्क्वाड आ जाती है। सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, और ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आ रहे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। लियो 06 को इधर नॉकआउट करते हैं। उसके बंदे ने जो मेरे को फायरिंग दिया है, जो स्प्रे मारा है, बहुत ही बढ़िया मारा और हेल्थ भी बहुत ही कम कर दी। एंड टाइम पे मैं इधर प्रोन नहीं होता तो इधर मेरी पैटी बनना तय ही था पहले की तरह, बट इधर मैं लकीली बच जाता हूँ। ये लाल टोपी वाला जादू, तेरे को नया अपडेट कैसा लगा? वो मम्मी वाला पिरामिड होता है, वो हवा में उड़ जाता है, वो वाला बहुत ही घटिया था अपडेट भाई, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं पसंद आया तो रुक, तेरी पेटी बनाता हूँ, रुक तू। इधर जितने इन्होंने नेट फेंके मेरे को, तो उससे पता चल गया कि भाई अपडेट उनको पसंद नहीं आया है बिल्कुल। तो भाई मैं नीचे कूद गया कवर लेके और हिल करने लगा कि भाई कोई भी आक्रमण करे मुझ पे तो भाई मैं रेडी रहूं उनको पेटी बनाने के लिए। तो भाई इधर एक मेरे को बंदे को फुटी स्प्रिंट आ जाते हैं लेफ्ट की साइड, तो भाई इधर सेट के पीछे ही होता है वो बंदा। जैसे ही मैंने उसको फिनिश किया, सामने की साइड से जो रेड कंपाउंड दिख रहा है उसमें से मेरे को नेड आता है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा खिसक जाता हूँ और सामने की साइड मेरे को एक बॉट दिख जाता है। किसी ने भाई उसको नॉकआउट किया होता है, मैंने उसको फिनिश किया तो मेरे खाते में एक किल ऐड क्यों नहीं हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर मैं उस बंदे पे रस कर सकता था बट मैंने नहीं किया, क्योंकि भाई मेरे को मेरा एवरेज डैमेज बढ़ाना था। तो भाई
फिर से उसको रिवाइव होने दो और बाद में उसको फिर से भाई नॉकआउट करेंगे और फिनिश करेंगे। जादू तू फिर से आ गया, तेरे को तो नॉकआउट किया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, अभी फिर से तेरे को नॉकआउट करता हूँ। अभी मेरे को नॉकआउट करके दिखा तेरे में दम है तो। जादू को मैंने नॉकआउट फिनिश किया तो भाई मेरे को पता था कि उसका एक और बंदा बाकी रह चुका था उस टीम का, तो भाई उसको भी पहनना ज़रूरी था। तो उधर मैं जादू की पेटी लूटने जा रहा था तभी मेरे को उधर टू स्टोरी में फुट स्प्रिंट आ गए थे, तो भाई उधर मैं रश ही कर देता हूँ उस पर। जादू के टीममेट की तो मैंने पेटी बना दी, अभी बारी थी वो रोजो खिल वाले स्क्वाड की, तो भाई अभी थोड़ा सा स्किप करते दो ताकि आप वो ना हो। इधर मैंने जादू को नॉक किया था, वैसे ही मैं उसके भाई पादू को ही नॉक करूंगा, तो भाई सेम टू सेम उसको नॉक करता हूँ, आप देख लो आप समझ जाओगे। इधर मैं बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम कर बैठा हूँ, ओपन में क्रेट लूटने के लिए चला जाता हूँ और मेरे को तुरंत ही आइडिया आता है कि भाई उधर सामने की साइड पूरे के पूरे स्क्वाड है, तो भाई पता नहीं कैसे मैं बच गया, बट लकी था इस बार फिर से बच गया। और इधर एक नशेड़ी ड्राइवर आता है, देखो आप गाड़ी कैसे चलाता है, बिल्कुल नशेड़ी टाइप, देखो कहीं पर भी ठुक जाती तो उन दोनों की पेटी बन जाती। इधर दो तीन बंदे ने मेरे पे रश कर दिया था, पीछे की साइड से एक डीपी वाला बंदा था जिसको मैंने नॉक किया था पादू को, वो मेरे को थोड़ा सा डैमेज दे जाता है डीपी की एक गोली का, बट कोई बात नहीं, इधर मैं उनको पिलने के लिए रेडी था।
पादु के टीम के दो बंदे को तो इधर नॉक कर दिया मैंने, और उसका किल कंफर्म करने ही वाला हूँ इधर फर्स्ट एड लगा के, क्योंकि भाई किल कंफर्म करना जरूरी था, पता नहीं कहाँ से भी बोर्ड आ जाए और वो किल ले जाए। पादु के टीम जो थी बहुत ही तेज थी, पादु ने बोला कि भाई तू सीढ़ी के पास आके बैठ जा, वो तेरे को फिनिश करने आएगा, तो भाई मैं उसको आराम से डीपी की 10-15 गोली से ढेर कर दूंगा। तो भाई वैसा ही हुआ, मैं उसको फिनिश करने गया और उसने मेरे को ही फिनिश कर दिया।